अलवर जिला पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एटीएम लूटने वाली अंतरराज्यीय गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों से लूट में काम में ली गई स्कॉर्पियो गाड़ी व 2,02,000 रुपए भी बरामद किए हैं। अलवर जिले में एक के बाद एक कई घटनाएं एटीएम को उखाड़ कर ले जाने की सामने आई थी। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने विशेष टीम का गठन कर साइबर सेल की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू करवाई। टीम जिले में हुई एटीएम लूट की वारदातों के सीसीटीवी की फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंची और आरोपी अनवर पुत्र अमली खान निवासी भंगो तावड़ू हरियाणा से, साथ ही मुस्तफा अली माचरोली नू हरियाणा और तालीम निवासी दोहज हरियाणा सहित इरसाद थाना गोपालगढ़ जिला भरतपुर को हरियाणा से गिरफ्तार किया। अलवर जिले में एक के बाद एक करीब 6 एटीएम को उखाड़ कर ले जाने की घटनाएं सामने आई। 22 जनवरी 2021 को लक्ष्मणगढ़ के मौजपुर से भी बदमाशों ने करीब 6 लाख रुपए से भरा पीएनबी का एटीएम उखाड़ लिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। वह आरोपियों से 2,02,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि गैंग के सदस्य पहले रैकी करते हैं, फिर लूट से पहले एक बदमाश बुर्का पहनकर एटीएम में जाकर सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर देता है। उसके बाद 15 मिनट में एटीएम को उखाड़ लिया जाता है, फिर अपनी गाड़ी में एटीएम को रख कर पार हो जाते हैं। पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी गाड़ी को ही कंटेनर में बंद कर ले जाते हैं। साथ ही यह गैंग इतनी हाईटेक है कि कोई साथी गलती से मोबाइल का इस्तेमाल ना करे, इसके लिए जैमर का भी प्रयोग करते हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम ने एएसपी ग्रामीण श्रीमन मीणा के नेतृत्व में सीओ अशोक चौहान के अधीन लक्ष्मणगढ़ एसएचओ अजीत सिंह के साथ एक टीम व कासिम खान एएसआई डीएसटी के साथ दूसरी टीम बनाई गई। टीम को जानकारी मिली गैंग महाराष्ट्र की तरफ है। पुलिस टीमों ने करीब 4,000 किलोमीटर तक उनका पीछा किया और विभिन्न राज्यों व शहरों में पहुंचकर संदिग्ध गाड़ियों के टोल नाकों से फुटेज खंगाले। इस दौरान इसी गैंग ने महाराष्ट्र के चिंचवाड़ में 18,50,000 रुपए से भरे एटीएम को भी उड़ाया। पुलिस अभी आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। अभी और भी कई वारदातें खुलने की संभावना है। ये आप सब जानते हैं कि विगत कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अलवर और भिवाड़ी दोनों ही जिलों में 5-6 वारदातें एटीएम लूट की हो गई हैं। उसकी उन सबको ट्रेस आउट करने के लिए हमारी थाने की टीम डीएसटी एडिशनल एसपी श्रीमन मीना के नेतृत्व में काफ़ी ज़ोर शोर से मेहनत कर रही थी, जिसमें एक अंतर्राज्यीय गैंग को पकड़ा है, जिसके 4 सदस्यों को हमने पकड़ा है, जिसमें अनवर, मुस्तफ़ा, तालीम और इरशाद, ये चारों जो हैं ये नू मेवात हरियाणा के और हरियाणा के अन्य ज़िलों के रहने वाले हैं और इनमें से एक भरतपुर का रहने वाला है। इनसे हमने अभी तक मौजपुर जो लक्ष्मणगढ़ की एटीएम लूट पीएनबी की हुई थी, वो नीमराना में एक एटीएम लूट हुई है वो, और जो हमारी बहादुरपुर सदर थाने इलाके में जो एटीएम लूट हुई थी, वो तीनों का खुलासा इन लोगों ने किया है। साथ ही इन्होंने पुणे की 2 वारदातें भी कबूली हैं और एक एमपी की वारदात कबूली है, और हमें उम्मीद है कि जैसे हम अब इनको अरेस्ट करके पेश करके जो इनकी न्यायालय से पीसी रिमांड पर जब इनको लेंगे, तो और भी वारदातें हो सकता है कि ये कबूलें। अपनी इन वारदातों में एक एटीएम जो इन्होंने मौजपुर से उखाड़ा था, वो एक बुलेरो गाड़ी और तकरीबन 2,02,000 रुपए की रिकवरी अभी तक हम कर चुके हैं। इसके साथ साथ इनसे इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी इनके संबंधित थानों से हम प्राप्त कर रहे हैं, और जल्द ही हमें उम्मीद है कि हम बाकी रिकवरी और हो सकता है कि और भी वारदातों का इसमें खुलासा होने की हमें उम्मीद है।